आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक्स का अवॉइड करें, उसकी जगह जो अल्टरनेटिव जैसे बैंबू के हैं या बनाना लीव्स के हैं, साथ में पेपर के जो बनाते हैं जो रिसाइकल होते हैं बेसिकली, उन चीज़ों के इस्तेमाल का हम प्रमोट करें। इसी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हम लोग आता है जूट बैग्स, अल्टरनेटिव इसको यूज़ करने के लिए, साथ में अल्टरनेटिव की जगह जैसे बैम्बू बॉटल्स हैं, स्टील बॉटल्स हैं, से डेवलपमेंट काउंसिल ले करगिल पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग हमारे आज के जो प्रोसीडिंग्स है उनका फॉर्मली जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुलाम अब्बास सर से, जो हमारे डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन रीजनल ऑफिस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे आज के मेहमान खुसूसी का स्वागत करें एक खतक पेश करके। थैंक यू। हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं या जो दूसरे हमारे मेहमान हैं और हमारी जो ऑडियंस है, आपको एक इस प्रोग्राम के बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में एक ब्रीफली थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक मीडिया यूनिट है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का जो मैंडेट है वो सरकार की जितनी भी पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं और जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनकी जानकारी को आवाम तक पहुँचाना है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये काम पूरे इंडिया में हमारे 23 रीजनल ऑफिसेज हैं जिनमें 148 फील्ड यूनिट्स हैं। और डीएफओ कारगिल, दीगर डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए हुए ऑफिसरान, मेरे कुलीग्स शाहिद साहब, नसीर साहब, नीरज जी और दीगर जितने भी स्टाफ मेंबरान हैं, यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बिहाफ पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं आगाज करूँगा, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्म से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो, जिंदगी जख्म से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो, हारना तो ज़रूर है एक दिन मौत से, फिलहाल ज़िंदगी को जीना सीखो। उसके बारे में लोगों को जानकारी देता है, रोशनास कराता है,
मैं अक्सर जगहों पे ये जिक्र करता हूँ और ये बड़ी हद तक हकीकत भी है कि इंसान के पैदा होने से पहले से लेकर उसकी मौत तक कि उसकी मजमूई तरक्की के लिए हर एक लेवल पे सरकार की तरफ से स्कीमें हैं। हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं या बाकी जो लोग हैं वो जानते हैं कि पैदा होने से पहले जो प्रीनेटल वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है वो सरकार की एक स्कीम में शामिल है। गोया के जो इंसान की मजमूई तरक्की के लिए उसको एक अच्छा शहरी बनाने के लिए जो सिलसिला है उसकी कोशिशें जो है उसके पैदा होने से पहले ही उनका आगाज हो जाता है। फिर हेल्थ सेक्टर में जो स्कीमें हैं उसकी डिलीवरी जो है वो इंस्टीट्यूट डिलीवरी होनी चाहिए, अस्पताल में डिलीवरी होनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने स्कीमें बनाई हुई हैं। उनको घर से ले जाना और घर तक पहुंचाना वो भी मुफ्त में बिना किसी खर्चे के, ये भी एक सरकार की स्कीम है। अच्छा लगता है, हमें अपना पुराना दिन याद आता है जब हम 70s में इनका जो अभी महकमा चेंज हो गया हमारे स्कूल में, मैं हाई स्कूल शाम को, मैं उस वक्त स्कूल हाई स्कूल शाम को था, वहाँ पढ़ता था। बीच में फिर पब्लिसिटी वाले आते थे, फिर वो ड्रामा पिक्चर वगैरह
जो पुराने थे मुझे आज भी याद है, वो मेरे देश की धरती वाला एक उसके गाना था उस पर, जिसमें वो रील कट भी जाता था फिर वो घुमा के फिर उसमें ला के, तो इतना अच्छा लोग हमारे बच्चों में, उस वक्त हम आपकी तरह छोटे थे बच्चे थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और उसके साथ उनके एक तो ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आते थे उसमें उसके नाम से अभी तीन चार जो आप लोगों ने टॉपिक लिया है बहुत, मतलब ये जैसे आपका पोषण अभियान है, हम जानते हैं हमारे खासकर प्यारे बच्चे जो है, खासकर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुराक कितने ज़रूरी है, खासकर एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए। वो जान हम आज के दिन में मुझे मालूम है क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो हमारे आयरन डिफिशेंसी एनीमिया बहुत तो कॉमन हुआ करता था, आज अल्लाह के फजल से उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है गया है। तो उसमें दो तीन चीज़ है, एक तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी मतलब बढ़ गया है, लोगों में खाना खाने का और खाना लाने का जो ये रिसोर्स हम में बढ़ा है, उस वजह से भी जो अनीमिया वगैरह है काफ़ी हद तक कम हो गया है। प्लस हमारे जो गवर्नमेंट अस्पताल जो है वो हमें सप्लीमेंट्री उसकी तरह आयरन फोलिक एसिड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। शुक्रिया आवाज़ साहब। मैं जब तक आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, पोषण सही नहीं होगा, आपकी डेवलपमेंट भी विस्तार से नहीं होगी, आपकी मेंटल एबिलिटी वैसी नहीं होगी। खुदा ना करे कि मतलब ऐसा भी है कि अगर आपकी न्यूट्रिशनल में कोई परेशानी है तो मल्टीपल डिसएबिलिटीज हमने देखे हैं, मल्टीपल डिसएबिलिटीज के अंदर जा सकता है, यानी आपका ब्रेन कुछ नहीं कर सकता, आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो कॉग्निटिव हो, सोशल हो, आपकी जैसे आपको सीसी साहब ने अभी कहा फिजिकल एक्टिविटीज में, जैसे ग्रॉस फाइल है हमारे यहाँ एक एक्टिविटी बेस्ड उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, जैसे ड्राइंग हो गई, कलरिंग हो गई, वो डांसिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अब वो डांस कर रहे हैं तो बच्चों को ये नहीं पता है, बच्चे सोच रहे हैं हम मजे कर रहे हैं डांस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है डांसिंग कराने से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, ग्रॉस मोटर की जो डेवलपमेंट होती है वो बेहद ज़रूरी है। उसी तरह से जो आपका ब्रेन है, ये हमारा 0 to 6 ईयर के बच्चे रखने का मकसद यही है कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ लाइफ में और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है लाइफ में इसी इन्हीं। अब ऐसा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे अभी पॉट की बात चल रही थी, बर्तन की बात चल रही थी, अब 0 to 6 के बच्चे का दिमाग ऐसा है, ऑब्वियस सी बात है बड़ों का दिमाग वो बर्तन जैसा है जिसमें पानी भर जाता है, लेकिन बच्चों का दिमाग ऐसा है कि बर्तन भी फूलता है और पानी भी भरते रहता है, यानी आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ रही है और पानी भी बढ़ रहा है। तो सेटलमेंट में हमारे पास ये भी हमारे मिनिस्ट्री ने हमें प्रोवाइड की हुई है, उसके थ्रू हम कराते हैं। तो बच्चों के लिए मैं ज़रूरी अब ये कहना चाहता हूँ कि आपने ज़्यादातर अक्सर आजकल जंक फूड की तरफ रहते हैं, आप लोकल खाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि यहाँ का लोकल खाना यहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट है। यहाँ का खाना लोकल खाना खाना है, तो हम हमेशा हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें हमारे ऐसा नहीं है कि हम आपको वहाँ ऐसे बना के रखा, आप उसको चख भी सकते हैं, वो प्रेजेंटेबल रहती है, बड़ा एस्थेटिक है, टेस्टी भी बहुत अच्छा है, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमने निकाल के भी रखे होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स हमने वहाँ लिख के रखे हैं, इवन कुकिंग मेथड्स वगैरह भी हमने लिख के रखे हुए हैं। तो आपके अपनी सेहत के लिए आपका पोषण बहुत ज़रूरी है, साथ में डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। तो पोषण अभियान में जो फोकस एरिया है, कोई भी प्रोग्राम जिसमें हमारे बच्चों को या हमारे ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले बहुत मतलब हेल्पफुल होता है और लाभदायक होता है हमारे कम्युनिटी के लिए और हमारे लोगों के लिए, खासकर जो बच्चे हमारे आज के ऑडियंस है यहाँ पे। तो मैं जो हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जो इंफॉर्मेशन है
जिनका अब्बास साहब लीड कर रहे हैं डायरेक्टर हमारे, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने दो तीन जो टॉपिक लिया है जैसे लाइफस्टाइल के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे करगिल में भी आज के दिन में लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत बढ़ गए हैं, कि वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हमारा जो लाइफ है अभी कंफर्टेबल हो गए और सेडेंट्री लाइफ हो गए और पूरा ईटिंग हैबिट्स भी हमारे चेंज हो गए हैं। उस वजह से पहले चूँकि मैं 79-80 से डॉक्टर हूँ तो उस वक़्त जैसे हाइपरटेंशन वगैरह या डायबिटीज़ वगैरह जो लाइफस्टाइल डिजीज़ को बोलते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो काफ़ी कम थे, या उस वक्त इन्वेस्टेशन वगैरह होता नहीं था उस वजह से। तो आज के दिन में ये बहुत तो रैम्पेंटली इंक्रीज़ हो रहा है हमारे यहाँ पे करगिल में भी। उसके लिए हमारे लोगों को जानकारी देना, जैसे छोटे से छोटा से ही सही, आप अगर दिन में थोड़ा चलोगे 45 मिनट तक चलोगे तो आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बाकी मेंटल हेल्थ है, काफ़ी उस पर इम्प्रूवमेंट होते हैं। उस तरह जैसे स्मोकिंग के बारे में ये कितना हैज़र्डस है, ये हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है, उस पर भी बात कर रहे हैं। और इस तरह हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेटिंग मदर्स वगैरह के बारे में, आयरन फोलिक एसिड कितना ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में क्या डाइट लेना चाहिए, फिर लैक्टेटिंग मदर्स को क्या प्रिकॉशन क्या डाइट लेना चाहिए, उस पर ये हो रहा है। और आज के दिन में जो हमारा पोषण अभियान है, आप जानते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स पे वोमेन का जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे एडिशनल फूड देने का मतलब ये होता है कि जो अगर हमारे घर में जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाए तो उसको एक सप्लीमेंट्री फूड की तरह हम यहाँ पे अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स पे देते हैं। तो मेरा आंगनवाड़ी सेंटर्स के इंचार्ज जो भी हमारे प्रोग्राम अफसर है या हमारे ICDS के CDPO से, उनसे गुजारिश है कि हमारे जो वोमेन के रूल में है वो उसको वहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कहीं कहीं हमने पहले देखा, पता नहीं आज का, तो मुझे उम्मीद है आज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बने बनाए बगैर मतलब ऐसे ड्राई वाला देने का एक सिस्टम बीच में बनाता है। वो हमने उनको बताया है क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आप, क्योंकि सप्लीमेंट्री फूड देते हैं, फिर अगर आप घर पे वो ड्राई वाला लेके जाएंगे फिर तो पूरा फैमिली को देना, तो बच्चे को इतना फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम होते हैं ना वो इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और आज के दिन में आप देखिए इधर जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ बना है गवर्नमेंट की तरफ से, सीनियर सिटीजन को कितना फैसिलिटीज़ है, हमारे जो ये क्या आता है लेडीज़ को कितना फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने किया है। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं इसको, मतलब क्या हमारे अधिकार है, क्या हमारे हम क्या कर सकते हैं, तो ये जानकारी मिलने से ना, और गवर्नमेंट का क्या स्कीम है लोगों को पता नहीं होता है, अगर ऐसे जानकारी देने से बहुत सारे स्कीम्स का पता चलता है तो लोग इसको अवेल करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सर कल जो है सुबह ये कोशिश किया था है DGP हमारे डॉक्टर जमवाल साहब से मिलने का, इंशाल्लाह मैं यहाँ से जाके, इसलिए मुझे जल्दी उनके साथ अभी बात भी करना है, तो मैं उनसे बात करके कोशिश करूँगा क्योंकि अभी पिछले 5 साल से हमारे यहाँ पे इंटरव्यू हुआ नहीं है, तो बहुत सारों का एज ओवर एज हो चला गया है, तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि कुछ एक रिलैक्सेशन हमारे बच्चों को मिले, जो अभी हमारे एस्पिरेंट जो हमारे अभी उसमें हिस्सा लेने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। सर सेंटर ब्यूरो एस्टिमेट करना, लोगों को जानकारी देना कौन सा स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग स्कीम है, तो लोगों के दिमाग में ये डालना कौन सा स्कीम हमारे अभी गवर्नमेंट की तरफ से है जो अवेल कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारे हर डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको मजीद और ये जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे जो सेंटर ब्यूरो ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, पहले इनको फील्ड पब्लिसिटी के कहते थे, तो पहले फील्ड पब्लिसिटी के नाम से होता था, आज ये ब्रॉडर इनका ये बन गया है, तो इनका यही कोशिश है कि इनका इंफॉर्मेशन लोगों में पहुंचा दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है उनको उनसे फ़ायदा उठाते हैं। सर गेजेटेड पोस्ट की क्या स्टेटस है? गजटेड पोस्ट का दोनों हम मैं उसी सिलसिले में कल हमने ये 10 तारीख को हमने एक हमारे जनरल काउंसिल का मीटिंग भी रखा है, उसमें हमारे ऑनरेबल MP साहब भी होंगे, हम सब उसमें अब बहुत सीरियसली सोच के
अभी रिसेंटली हमें लद्दाख के जो ले से जो हमारे एस्पिरेंट्स थे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हमारे करगिल से तो कोई नहीं आए, उन्होंने एक ब्लू प्रिंट हमें दिया है, तो उस पर हम कोशिश करेंगे। हमारे कौंसल का और हम भी साहब का, हम सब का ये मानना है जब तक हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होगा, जब तक हमारे पास अपना कैडर नहीं होगा, तब तक हम कोशिश करेंगे हमें J&K के साथ रखे, जैसे हमारे J&K हाईकोर्ट, J&K लद्दाख हाईकोर्ट है, ताकि हमारे बच्चे सफ़र ना हो, उस पर हम कोशिश करेंगे। हम हमारे गवर्नमेंट को यूटी लोग कह रहे हैं, हम डेनिक्स में ये करना, डेनिक्स में जो से कैडर वगैरह डेनिक्स में देना चाहते हैं, तो हम टोटली अगेनस्ट है डेनिक्स के, क्योंकि हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम है जो बाकी हमारे इंडिया के बाकी जगहों पे है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम J&K के साथ हमारा एफिलेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कैडर भी हो उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल परसों हम उस पर एक बड़ा सा एक ये निर्णय लेने वाले हैं। सर रिसेंटली आपने जोजिला का विजिट किया, तो क्या स्टेटस है जोजिला का? जोजिला का दोनों मुझे कल देख के अच्छा लगा, एक तो हमारा वो ये आपका जड मूड टर्नर तो बिल्कुल तैयार है, हम वहाँ से कल आए थे। उसके बाद हमारा सोनमर्ग से हम आगे पूरा जो बड़ा ब्रिज है ना, आपने ब्रिज हमने दो बड़े ब्रिज क्रॉस किया, फिर उसके बाद तीन टनल है उस छोटे छोटे टनल जो हमारा इधर से क्या होता है आपके नीला ग्राट को क्रॉस करते हैं, वो भी क्रॉस करने के बाद फिर बालतल में हमारा जो जो कट एंड कवर वाला वो तीन चार है कट एंड कवर वाला, फिर यहाँ से अंदर जो मेन टनल है उसका भी यहाँ से 5.6 कुछ ये जो ये किलोमीटर है ना वो इन्होंने एक्टिवेट किया, मतलब टनल बन गया है हमारा, अभी पूरी तरह हुआ नहीं, काम चल रहे हैं तो फिनिशिंग नहीं हुआ है, और हमारे जो जिसको वेस्टर्न पोर्टल बोलते हैं, फिर मैं वेस्टर्न पोर्टल से सर्च किया, वहाँ से हमारा यह है 4.6 कुछ किलोमीटर यहाँ से गया है, तो काम भी शुरू हो गया है, और हमें यकीन दिलाया NRGCL वाले और मेगा इंजीनियरिंग वाले, और ख़ासकर जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके इंजीनियर्स जो है ना तो बहुत डेडिकेटेड इंजीनियर्स है, मैं उनका कल शुक्रिया अदा करना भूल गया था। मेन काम उनका जो इंजीनियरिंग विंग है ना, उनका हेड जो है मैंने देखा ईरान से हमारे, तो वो ईरान से आके यहाँ पे सर्विस दे रहा है, उनका 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो अपना एक्सपर्टीज यहाँ पे ये कर रहे हैं। वो कह रहा था कि हमें अपने वहाँ से सैलरी जो है ये अपने वहाँ से बहुत कम है, फिर भी उनको सस्पेक्शन है कि हमारे लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह उन्होंने हमें कहा है कि अगले साल उन्होंने जो बोला है अक्टूबर तक वो मतलब उनको एक टनल कनेक्ट कर पाएगा, मगर जो करना बाकी जो फिनिशिंग बाकी काम तो उसमें टाइम लगेगा, मगर उन्होंने हमें यकीन दिलाया हो सकता है इंशाल्लाह अगले साल सर्दियों में हमारे इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह पास करने में हम कामयाब हो जाए। आपको यहाँ अभी आप पूछ रहे थे कि श्रीनगर से, कह रहे थे कि श्रीनगर से आके हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये हमेशा एक इम्प्रेशन बना रहा है कि श्रीनगर के ऑफिस जो है वो यहाँ पे आके काम करते हैं और लद्दाख के लिए एक्सक्लूसिवली ऑफिस नहीं है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो लद्दाख पूरे के लिए करगिल और लेह के लिए एक हमारा यूनिट जो वो लेह में काम कर रहा है उसमें भी ऑफिसर पोस्टेड है, अलबत्ता उसकी मदद के लिए हम वहाँ से आके, क्योंकि ये हमारे रीजनल रीजन में आता है J&K और लद्दाख, तो इसलिए हम वहाँ से आके इसमें कोशिश करते हैं कि उनकी भी हेल्प हो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँच सके, और इसमें एक कंपेन बना के, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के मौसम में ही ज़्यादातर काम होता है, इसलिए हमारा ये मकसद रहता है कि हम जो भी कंपेन हमारी अवेयरनेस कंपेन है वो इस गर्मियों के मौसम में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, बहुत सारे रास्ते जो हैं वो सर्दियों में कट जाते हैं इसलिए वो प्रोग्राम नहीं हो सकते। तो रही बात कि कौन सी स्कीमें हैं, ये सभी स्कीमें जो हैं वो पहले से चल रही हैं, सिर्फ ये है कि जैसे कहा जाता है कि टू इन्फॉर्म इज़ टू एम्पावर, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, एक बार कलमा पढ़ लिया तो सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि वो हमारा ईमान जो वो ताज़ा होता रहे, तो उसी के पैटर्न पे ये जो हमारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने का मकसद है, हर साल हर महीने या जब भी हमें मौका मिले तो
हम इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आउटरीच प्रोग्राम जो है उसके थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं कि ताकि अगर किसी को कोई बात भूल गई हो स्कीमों के बारे में, इसमें भी कोई शक नहीं कि जो नई स्कीमें वो हम आपको बताते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं और यहाँ पे जो एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ है और जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं उनको उसकी जानकारी नहीं है, उसके बारे में क्या प्लस माइनस है, उसके बारे में कौन से फ़ायदे हैं, जैसे ज़ीरो FIR है, जैसे उसमें डिजिटल जो वो विटनेस का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वीडियोग्राफी और वो सारी चीज़ें हैं। तो हम सड़कों के साथ साथ बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, आप इन्वायरमेंट की, खास करके लद्दाख के हिसाब से इन्वायरमेंट बड़ी एक अहम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा खतरा रहता है कि अगर जितनी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी उतनी यहाँ की जो ज़मीन है उसके खिसकने का, पसियाँ आने का और जो क्लोर बस्ट है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हम पहले भी एक बार देख चुके हैं कि लेह में ऐसा हुआ था और मेरे ख्याल से बाकी जगहों पे भी छोटा मोटी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो यहाँ का सिस्टम उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो उसको सामने रखते हुए हमने ये एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आउटरीच प्रोग्राम कंपेन चलाई है जिसका आज यहाँ पे पहला दिन है और ये 3 दिन तक प्रोग्राम जारी रहेगा। मुझे ये बताने में भी खुशी हो रही है कि हमने लेह और करगिल अजला के मुख्तलिफ इलाकों में पहले से ही पिछले 20-22 दिनों से प्रोग्राम किए हैं ताकि लोगों तक जो पैगाम है वो पहुँच सके। तो इन्फॉर्मेशन को हमारा लोगों तक पहुँचाना जो है वो ज़रूरी है, तो और बार बार पहुँचाना जो है वो ज़रूरी है कि कहीं एक बार हम पहुँचा के फिर बैठ ना जाएँ और लोगों में जितनी नई नई जानकारी आएगी वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे। और ये सारी स्कीमें पहले से इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो रही है, वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि लोगों को जानकारी पहुँचे और वहाँ जाके उसका फ़ायदा उठाएं। सर PIB है, अब मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन में हूँ, एक टाइम तक मेरा था लेकिन इस बार हमने, क्योंकि जब तक मेरा एडिशनल चार्ज PIB जम्मू के साथ था तो अभी हमने जून में एक लेह में वो वार्तालाप की है, मुझे उम्मीद है श्रीनगर का ऑफिस, श्रीनगर का ही नहीं लेह में अब PIB का ऑफिस भी खुल गया है, तो जो ऑफिसर CBC का इंचार्ज है वो PIB का इंचार्ज भी है और वो इंशाल्लाह जल्दी करगिल में भी मैं ज़रूर ये बात जो है वो वहाँ तक पहुँचाऊँगा कि यहाँ पे मैंने पहले भी देखा है कि मीडिया का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और वैसे दूर दराज इलाके में आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और PIB भी ज़रूर आपके साथ उतना ही तावन करेगी। बहुत शुक्रिया।